नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। इंटरेस्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था टू डू अ कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन दिस टॉपिक, सो हियर वी आर। आई पिक द रेड कैंडल फॉर यू गाइज। जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए जिनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो। एंड से देयर नेम 3 टाइम्स, फोकस ऑन देयर फेस। यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज उनका चेहरा, आप इस बाउल के अंदर, डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं आज के दिन में जिस पर्सन के साथ में आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। देयर फोकस इज ऑन यू राइट नाउ। सबसे पहला मैसेज, ऐसा लग रहा है आप इनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या एक ही टाइम पे आप लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा मैच कर गई है। ठीक है, ये पर्सन लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं इनका माइंड, और इनको बहुत मुश्किल से अपना ध्यान जो है वो शायद इधर उधर लगाना पड़ रहा है, मे बी काम वगैरह में या स्टडी वगैरह में, जो कुछ भी ये करते हैं। दे हैव टू फोर्स देम सेल्फ टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कि कुछ और भी इनके दिमाग में आए, बट ये लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये अपने रास्ते आप तक मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ये पर्सन जो है इनको ये बात अच्छी भी लगती है कभी कभी समहाउ, कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। एंड समटाइम्स ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है। जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, लेटर ए है, लेटर एल है, लेटर वी है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस। लेटर डी भी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम अदर पर्सन और सम थर्ड पार्टी, या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है जो इनके माइंड के ऊपर असर डाल रहा है। जरूरी नहीं है कि अफेयर ही हो, अफेयर वाली एनर्जी मुझे अभी तक यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग में दिखाई नहीं दी है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बार बार आपके पर्सन का कोई माइंड आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेकेंड टाइम हमारी कैंडल ऑफ हो गई है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के आसपास में है, या इनकी जो संगत है जिन लोगों के बीच में ये उठते बैठते हैं वो शायद बहुत अच्छे नहीं है। सी, नेगेटिविटी ऑलरेडी यहाँ पे पनपने लगी है, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ये ब्लैक कलर के पैचेस। और ये पर्सन कहीं मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी दे आर मेकिंग सम प्लान टू मीट यू, टू सी यू इन पर्सन। दे वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ मिल के डिस्कस करना चाहते हैं, और ये कोई बहुत ज़रूरी बात है जो ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। किसी को अपने फादर या मदर के बारे में कुछ बात शेयर करनी है, या कोई अपने पेरेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है। तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे वी हैव दिस फॉर्मेशन ऑफ अ स्नेल ऑल्सो, और स्नेल जो होता है वो उसका नेचर कुछ ना कुछ टॉर्टोइज जैसा ही होता है। तो बहुत स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलता है, बहुत मतलब नोटिसिएबल नहीं होता है। दूसरा डर जाता है तो अपने शेल के अंदर चला जाता है। ऐसे जो नेचर है या ऐसी टेंडेंसीज जो है वो इस पर्सन की हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस टाइम पे। आई फील कि ये धीरे धीरे, अगर ये न्यू कनेक्शन है ना आपका, तो ये पर्सन धीरे धीरे अपने शेल से बाहर आएंगे, धीरे धीरे आप इनका ट्रस्ट जीतोगे, या वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। एक वाई बन गया है देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सा, तो कोई सवाल है हो सकता है जो इनके मन में उठ रहा है, या दिस कैन बी लाइक अ चॉइस, कि भी सीधे रास्ते पे जाते जाते इनके सामने देर इज अ फोक ऑन द रोड एंड दे हैव टू चूज कि यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, कोई डिसीजन लेना है इनको, उसके बारे में ये सोच रहे हैं और वो बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। सम स्लो मूवमेंट इज हैपनिंग, एकदम ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो चल रही है, या आपके पर्सन को लग रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं चीजें।
ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग सम मोर ग्रोथ इन दिस कनेक्शन. इनके माइंड में है कि ये आपको और बेहतर तरीके से जाने, आपके साथ में और बेहतर या और ज्यादा यू नो टाइम स्पेंड करें. दे आर ऑल्सो फीलिंग, या आज के दिन में ये भी थॉट इनके माइंड में आ सकता है आपको लेकर के, कि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे लेयर्स हैं जो परत दर परत अंदर अंदर छुपे हुए हैं, और धीरे धीरे शायद आप इनके साथ में ओपन अप होंगे. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल शायद कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से अभी बना नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए. दिस कुड बी अ मैसेज फॉर दोज हु आर न्यू, मे बी ये जिनके जिनका ये जो कनेक्शन है ना, न्यू कनेक्शन है, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है. इफ़ यू वॉन्ट अ क्रिस्टल बॉल रीडिंग ऑल्सो ऑन दिस सेम सिचुएशन, इस पर अगर आपको क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी चाहिए तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज के दिन में इनका फोकस जो है, ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम के ऊपर ध्यान लगाएं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम के ऊपर ध्यान लगाएं, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है. स्कॉर्पियो राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न राशि वाले पर्सन हैं, जेमिनाई राशि वाले हैं, वर्गो है, कैंसर है, ये राशियाँ यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर. डेट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ये 2021 है, 21 तारीख के इसी महीने की, इसके बाद में 26, 27, 26, 27 तारीख में भी हो सकता है, अभी लास्ट 26, 27 या 21 को कुछ हुआ है, या ये डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी डेट्स वगैरह हो सकती हैं, सम हाउ इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे कई लोगों का वर्क कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, वर्क प्लेस कनेक्शन, और कई लोगों की टीचर स्टूडेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है. ठीक है, मे बी हो सकता है आप ये रीडिंग अपने टीचर के लिए देख रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. दूसरा एज गैप, मेजर मेजर एज गैप दिखाई दे रहा है. ऑल राइट, कई लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, सभी के लिए नहीं है. क्या होता है कि कई बार मैं जनरल मैसेजेस बोलती हूँ और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा लिटरल ले लेते हैं, और जिनकी सिचुएशन ऐसी नई भी होती है वो भी घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, इसमें सारे लोगों के सिचुएशंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज जो है वो आपके लिए ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लें, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं चलना है. कई लोग मैंने देखा एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, जबकि वो मैसेज उनके लिए होता भी नहीं, वो मैसेज आया किसी और के लिए होता है जनरल रीडिंग में. ठीक है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर, अच्छा, देर इज वन मोर सिचुएशन भाई. एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी भी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है और ये कनेक्शन खत्म भी हो रहा है कई लोगों के लिए, या आप अपने एक्स वगैरह के लिए देख रहे हो, अगर एक्स है और लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये इंसान अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, या इनकी यादें अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं. आप लोगों की कैंडल भी बहुत जल्दी बर्न आउट हो गई है, वेरी क्विकली, और बहुत सारे मैसेजेस एकदम सटीक सटीक मैसेजेस आप लोगों के निकल के आए हैं रीडिंग में. ठीक है, तो ये पर्सन एक तो अपना रास्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा ये आपको गाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे कुछ गाइडेंस या आंसर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं. इनको कोई डिसीजन भी लेना है, एंड कुछ मूवमेंट भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है. आज के मैक्सिमम टाइम, आज के दिन में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैक्सिमम टाइम इनके माइंड में जो फोकस रहेगा वो आपको लेकर के रहेगा, या आपकी जो बातें हैं, आपका चेहरा, आपकी मेमोरीज, वो इनके सामने ऐसे भटकते रहेंगे. एंड ये पर्सन जो है ये आप से टच में रहने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं आज के दिन में, और यू कैन एक्सपेक्ट अ सडन मैसेज, अ वेरी अनयूजुअल मैसेज फ्रॉम देयर एंड. कुछ बहुत अनयूजुअल बात, कोई बहुत अनयूजुअल मैसेज कॉल हो सकता है, कुछ अनयूजुअल चीज़ आज के दिन में ये आपसे कह सकते हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट मुझे बेसिकली आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की रीडिंग में. ऑल राइट, सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही. डू लेट मी नो, दोबारा से कह रही हूँ, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी देखनी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिए, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज. जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए.
नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।